युवक कांग्रेस मैदान में, युवक कांग्रेस जिंदाबाद। एक शिकायत दीजिएगा आप कि ड्रेस पहन के पहनने का क्या उचित है, उसका महत्व क्या है? बोलिए सर, ड्रेस पहन के ऑनलाइन पर ड्रेस का कुछ महत्व नहीं होता है। इसीलिए तो ये बहुत सारे हमें किस पे कार्रवाई करो, आप मुझे पर्टिकुलर बताए कि ये है बी है, एक बार हम स्कूल को करके कार्रवाई करें ना। अभी हम एक एक स्कूल को जा नहीं सकते, सही बात है। आप नाम लिख के दीजिए, हम कार्रवाई करेंगे। सर ऑनलाइन पढ़ा रहे हैं, हफ्ते में एक बार भी जाँच होती है, और फीस पूरी करेंगे। फीस को शासन और उच्च न्यायालय के लिए आदेश है, पर उच्च न्यायालय का तो ये आदेश है कि स्कूलों को जो खेल ग्राउंड होना चाहिए कम से कम 1500 स्क्वायर फीट का होना चाहिए। स्कूलों के नियम है 2014 के नियम है, पॉइंट 5.2 में लिखा हुआ है कि स्कूलों को कम से कम बच्चों को खेल मैदान होने चाहिए। अब आप बता दो कौन से स्कूल 4-4 कमरे में स्कूल चला रहा है, तो उनके भी जरा नियम कायदे चेक करवाने हैं। वो 2010 के पहले के जो स्कूल उनके बाद के भी सर आपको हम बता रहे हैं, ऐसे स्कूल है सर जहाँ पे ग्राउंड की सुविधा नहीं है। अगर हम स्कूल बात करते हैं, आप नियम की बात करते हैं, 2010 का नियम है सर, बताइए। सूचना के अधिकार में हमने आपके यहाँ से मांगा था, उस बात को भी टाइम हो गया है, उसके लिए नहीं आया आपका लेटर, अभी अभी दे देंगे आपको, आप दे दो कागज भी दे दीजिए, हम कार्रवाई करेंगे ना। आप स्कूलों में सर पूरी जांच करवाई, जब फीस पूरी ले रहा है तो देखो ना सर, जो जो नियम के तहत आते हैं आपकी लाइब्रेरी वाइब्रेरी जो जो रहती है पूरी सुविधा है, टोटल रहनी चाहिए। मुंबई में तो उसमें लिखा हुआ क्या क्या कांग्रेस द्वारा पिछले साल जो आरटी के तहत एडमिशन होने थे वो बच्चे प्रवेश से वंचित रह गए हैं, और इस बार जो एडमिशन हुए हैं उसमें उम्र 5 साल है। हमारा ये निवेदन है कि जो पिछले साल एडमिशन नहीं हो पाया उनके कारण उसके लिए शिक्षा अधिकारी से हमने निवेदन किया है कि उच्च मध्य प्रदेश शासन को लेटर प्रेषित किया जाए कि उसकी 6 वर्ष उम्र की जाए, जो पिछले साल वंचित रह गए उनको प्रवेश किया जाए। अच्छा, आपने ये भी रखा था कि जो ड्रेस को लेके भी मुद्दा उठाया था, आपने बात करी थी ड्रेस को लेके, स्कूल में जो ड्रेस है वो बहुत सारे स्कूल ऐसे हैं जो स्कूल ड्रेस पहनकर ऑनलाइन क्लासेस कराने की बात कर रहे हैं, इसलिए हमने मुद्दा उठाया। सर ने हमसे अधिकारी शिक्षा अधिकारी जी ने कहा है कि जो जो ड्रेस पहनकर स्कूल मांग रहे हैं पढ़ा रहे हैं उनसे आप उनके नाम लिख के दे दीजिए, हम उन पर कार्रवाई करें। अच्छा, आप एक मुद्दा उठाया कि कई स्कूलों में खेल के मैदान नहीं है, तो लेके क्या मुद्दा उठाया आपने? नियम 2009 के नियम में पॉइंट 5.2, 5.3 और 5.4 ये नियम है, इसमें नियम में लिखा हुआ है कि आपको कम से कम स्कूल का 30% हिस्सा खेल मैदान का रहना चाहिए, जिसमें बच्चों को खेल कूद की सुविधा रहना चाहिए। हमारे देवास में कुछ ऐसे स्कूल है जो 2-2 कमरे 3-3 कमरे में स्कूल चलाया जा रहा है, उन पर कार्रवाई करें। अगर इनको फीस पूरी चाहिए तो फिर सुविधा भी पूरी देनी चाहिए। क्या आश्वासन मिला आपको? हमको आश्वासन दिया गया है कि जिन जिन स्कूल जो जो 2-2 कमरे में स्कूल चल रहे हैं 4-4 कमरे में, उनके नाम लिख के दीजिए, उन पर हम कार्रवाई करेंगे। आपका नाम? जितेंद्र सिंह गौड़, युवक कांग्रेस जिलाध्यक्ष।